नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पंजाब सरकार की तरफ से बजट होगा पेश, अकाली दल ने विधानसभा से बाहर किया धरना प्रदर्शन, कहा स्कॉलरशिप घोटाले में दिया गया क्लीन चिट। जालंधर के सोडल इलाके के काली माता मंदिर में मची अफरातफरी, एक सिलेंडर के दुकान में लगी आग, आग लगने से हुआ धमाका। हैदराबाद सेक्टर 23 में बिजली कार्यालय के बाहर हुआ धरना प्रदर्शन, कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन और मांगे न मानने पर एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। हरियाणा के यमुनानगर में कोरोना का बड़ा आंकड़ा, वैक्सीन का काम लगातार जारी, प्रशासन ने की लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विकास सीसर की देखरेख में नारनौंद हलके के लोगों ने विधायक रामकुमार गौतम से वोट की मांग करने के लिए उनके आवास पर मिलने पहुंचे। किसानों ने कहा कि कल विधानसभा में निर्दलीय सरकार के खिलाफ वोट करें ताकि किसानों की मांग पूरी करने का दबाव केंद्र सरकार के ऊपर पड़े। सभी किसानों ने झोली फैलाकर नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम से वोट करने की अपील की है और साथ ही अत्याचारित सरकार गिराए जाने की बात कही। साथ ही किसानों ने कहा कि विधायक के पास अपनी गलती सुधारने का और अपने पाप धोने का सुनहरा अवसर है। और किसानों का संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज खन्ना शहर के किसानों ने लालहरी चौक पर मोदी सरकार का पुतला जलाया और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर आम आदमी का लगातार शोषण कर रही है। और पंजाब सरकार की तरफ से बजट भी पेश होना है, जिसको लेकर अकाली दल की तरफ से कांग्रेस सरकार के किए गए वादों को पूरा करने की सफाई मांगी है। अकाली दल की तरफ से आज 117 विधानसभा क्षेत्रों में अधिकारी दफ्तरों के बाहर धरने दिए गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री तोता सिंह और हेल्थ कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन ब्रजेंद्र सिंह बराड़ ने बताया है कि कैप्टन सरकार ने पंजाब के लोगों के साथ झूठे वादे किए हैं। नई मौके पर जत्थेदार तोता सिंह ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनाने से पहले पवित्र गुटका साहब को हाथ में पकड़कर पंजाब में 4 हफ्तों से नशा मुक्त और हर घर नौकरी देने का वादा किया था, जो कि अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरा नहीं किया है और ये पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात है। शिरोमणि अकाली दल ने यह भी बताया है कि सरकार गरीब बच्चों को दी जाने वाली शगुन स्कीम, आटा दाल स्कीम के लिए बनाए गए नीले कार्ड, बुजुर्ग पेंशन कार्ड कर जहां पंजाब के लोगों के साथ बड़ा धोखा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कॉलरशिप घोटाले में आरोपियों को क्लीन चिट भी दे दी गई है। जो झूठे वादे किए उसके खिलाफ अभी पंजाब सरकार से जवाब मांगने, 4 साल सरकार बनी, दसो एक वादा पूरा किया वे, झूठ मारी जाते हैं। अज भी बज जरा किया झूठ का पलंदा निकलना, थोड़े सामने करना कुछ नहीं, कहेंगे आह कर दे आह कर देंगे। इसलिए बिजली का थोड़े सामने किन्ना रेट रोंदते फिरते लोग, गरीब बिजली बिल ने बढ़ गए, इंडस्ट्री वाले अड्ड रोंदे आ, किसान अड्ड रोंदे आ, हर वर्ग ने धक्का किया इन्होंने जी। असं पेट्रोल कीमतों के प्रति और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री ने पंजाब के जिन्हें वादे किए गुटका साहब फड़ के गुरु साहब की बाणी के मैं समझा सौं खाधिया सी, कोई भी गल पूरी नहीं की, जिदे करके असी अज सारे ही पंजाब और उस कड़ी के मोगा हल्के धरने से अज बैठे हैं और सानू पूर्ण उम्मीद है कि शायद सरकार दी अखां खुल सकन। पर अज जिवें बजट भी पेश होना पंजाब सरकार दा, वो सिर्फ आटे जनून वाली गल है भी जिमें लो जी असं 1000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर रहे हैं, एक बंद का जो 10 लाख का कर्जा है तो जे तुम 2000 रुपया वह मोड़ भी दता तो 10 लाख कर्जा थोड़ी उतर गया।
और जालंधर के सोडल इलाके के पास पड़ते काली माता मंदिर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां पर एक सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। बता दें कि सिलेंडर में आग लगने के चलते वहां पर धमाके होने शुरू हो गए और एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और वो दुकान के बाहर आ गिरा, जिसके बाद मोहल्ला वासियों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। लोगों का आरोप है कि यह दुकान गैर कानूनी है और दुकानदार आग लगने के बाद वहां से भाग गया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस तरह की दुकानों को बंद कराया जाए। जरा माइक सिलेंडर के सामने गली के अग लगी आ, साडे आने तो पहला फायर ब्रिगेड आई हुई थी, अग बुझा बुझ चुकी आ। दुकान के अग लगी आ, सिलेंडर की दुकान आ, गैस चूल्हे वगैरा वह बेचता है, बेचने के खड़े हुए पता लगता है। इतने मौके से कोई भी बंदा हले ये गल दस तैयार नहीं भी अग कि लगी आ, कि दुकान आ की नहीं है। हाले तक प्रेस के सामने भी यही कुछ हो रहा, प्रेस भी पुछन डी आ, ਸਾਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਹਰ ਫਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਐਟ ਦੀ ਸਕਿਉਰਟੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किसान संगठन के लोग विधायक के घर पहुंचे हैं, घिराव कर मांगा अविश्वास खिलाफ पर समर्थन करने की बात कही है। रतिया में विधायक की अनुपस्थिति पर उनके भाई और पीए को ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन देकर किसानों के साथ विधायक का साथ दे। बताते चले कि किसानों ने घिराव कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। कांग्रेस ने जहां विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास लाकर सरकार के खिलाफ परेशानी खड़ी कर दी है, वहीं इस अविश्वास प्रस्ताव को सफल करने के लिए किसान भी लामबंद हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसान संगठनों ने विधायकों के घरों का घेराव किया और उनसे सदन में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। और पंजाब सरकार की तरफ से बीते दिनों पेश किए गए बजट में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्परों के लिए कुछ भी न रखा जाए करके सूबे भर की 94,000 आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों में गुस्से का लावा फूट पड़ा है, पारा चढ़ गया है। बता दें कि रोष के तौर पर आज जगह जगह पर बजट की कॉपियों को जलाया गया और पंजाब सरकार के पुतले बनाकर फूके गए। पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन के सूबा प्रधान हरगोबिंद कौर ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्परों ने आज सूबे भर में लगभग 170 स्थानों पर जहां बजट की कॉपियां जलाई, वहीं पंजाब सरकार के पुतले भी फूके गए। बजट लोक पक्षी नहीं है, लोक विरोधी है, जिहड़ा लोकां दी आसां ते पूरा नहीं उतरिया है, आंगनवाड़ी दी आसां ते बिल्कुल पूरा नहीं उतरिया। पिछले चार साल तो जदों तो यह सरकार आई है इन्हां ने आंगनवाड़ी वर्करां नूं सड़कां ते ही रोलिया हैगा, ते पहला साडे केंद्रां दे बच्चे खोए, फिर साडी जिहड़ी केंद्र सरकार वल्लों वधी होई तनखाह सी उहदे ते कट लाया। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंचायत खापे किसान और सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने की मांग को लेकर बाड़दार के जजपा विधायक नैना चौटाला के निवास का घेराव किया। वहीं इस दौरान किसानों ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग नहीं की तो बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। किसानों के विरोध को देखते हुए नैना चौटाला के निवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि विधानसभा में कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा ने पौगाट, संगवान और श्योराण खापों के साथ साथ किसान और सामाजिक संगठनों ने सरकार का विरोध करते हुए दादरी स्थित विधायक नैना चौटाला के निवास का घेराव किया। साथ ही किसानों ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में उनकी लड़ाई जारी रहेगी। भाई जैसा कि स्वीट किसान मोर्चा का ये प्रोग्राम था हरियाणा के अंदर ये प्रोग्राम था कि भाई जेजेपी और बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं, जैसे कल 10 तारीख का विश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है,
तो सब एमएलए एमपीओ से मतलब ये कहा गया किसानों की तरफ से कि भाई अपना 10 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करें और किसानों के हक में मतलब इस मूंगी बेरी सरकार को गिराकर और किसानों की जो ये लड़ाई चल रही है इसमें किसानों की मजबूती लड़ाई के अंदर देने का काम करें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंचायत खापे किसान और सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने की मांग को लेकर बाडरा से जजपा विधायक नैना चौटाले के निवास का घेराव किया। वहीं इस दौरान किसानों ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग नहीं की तो बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। किसानों के विरोध को देखते हुए नैना चौटाला के निवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि विधानसभा में कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। और कृषि कानून को लेकर धरना दे रहे किसानों का आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है। बता दें कि धरना स्थल पर ही पक्के मोर्चे बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने आंदोलन का फैसला कर लिया है। धरना स्थल वाले मंच पर टीन शेड डाला जाएगा ताकि गर्मी से बचा जा सके। इतना ही नहीं, किसानों का यह भी फैसला है कि धरना स्थल पर किसानों के लिए सड़क पर ही टीन शेड डाले जाएंगे ताकि जो किसान यहां आंदोलन में हिस्सा ले सके हैं और सरकार के काले कानून के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रह सके। आंदोलन लगातार जोश में चल रहा है। कल हमारे पूरे देश के अंदर संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो कॉल दी गई थी महिला दिवस के ऊपर, उसमें मुझे दिल से खुशी है कि मेरे पूरे प्रदेश हरियाणा पंजाब के पूरे देश के अंदर जो महिलाओं का खास करके जो दिल्ली के सभी वोटरों के ऊपर जन सैलाब उमड़ा वो काबिले तारीफ है। मैं उन सभी मातृ शक्ति का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। टिकरी बॉर्डर के अन्य बॉर्डरों के अलावा हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी टोल प्लाजा चले हुए हैं उन पर भी कई कई हजारों की संख्या में जो महिलाएं पहुंची है, सबसे पहले मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और भिरानी पुलिस ने रेलवे सहित कई विभागों में बेरोजगारों को सरकारी नौकरी को फर्जी नियुक्त पत्र देकर रुपए ठगने वाले एक गिरोह के रणधीर शर्मा, जुजनू अनिल जाट जुजनू और तुषार उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के सदस्य हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित अनेक राज्यों में इस प्रकार की वारदात को अंजाम देते हैं। बताते चले कि अनुसंधान अधिकारी साहब सिंह ने बताया कि इनके कब्जे से बेरोजगार युवकों के कई प्रकार के दस्तावेज, नेम प्लेट और 50,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 10 मार्च तक पुलिस रिमांड पे लिया है। मैं मुकदमा दर्ज करवाया था। वह मेरे साथी सचिन को रेलवे में सरकारी नौकरी लगाने के लिए मुलजमान रणधीर सोनू व अनिल मूल धुंध ने हमारे साथ बेमानी पूर्वक षड्यंत्र करके 10 लाख रुपए हड़प लिए। और पलवल में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में दिव्यांग बच्चों के लिए मापतोल जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग पलवल के एपीसी हुकम चंद ने बताया कि ये मेडिकल कैंप दिव्यांग बच्चों के लिए लगाया जा रहा है जो आगामी 12 मार्च तक चलेगा, जिसमें पलवल जिले के 4 ब्लॉकों के कैंप में दिव्यांग बच्चों की जांच की जा रही है। दिव्यांग बच्चों का मेडिकल प्रशिक्षण करने के बाद एलमेको कानपुर की टीम दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण बनाएगी जिनमें व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, छड़ी, सुनने की मशीन, कई सामान शामिल हैं। सभी दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। शिविर में दिव्यांग बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट, बस पास और सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी प्रकार की स्कॉलरशिप योजनाओं के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। जो हमारा मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है ये दिव्यांग बच्चों के लिए 9 आज से लेकर के 12 तारीख तक ये 4 ब्लॉकों का हमारे ये कैंप होगा। आज का जो कैंप है ये 3 ब्लॉक के बच्चों का है। इसमें जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं इन दिव्यांग बच्चों की का पहले मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। मेडिकल परीक्षण करने के बाद में एलिमको की टीम इनके बच्चों के जो अंग हैं
जो थोड़े बहुत छोटे मोटे हैं उन अंगों का असेसमेंट करके उन बच्चों को किस चीज की सुविधा उनको दी जाए, व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, या मतलब जूते इनके विशेष प्रकार के जो बने होते हैं, या और किसी प्रकार के सहायक उपकरणों की जो जरूरत होगी, एलिम्को की रिकमेंडेशन के आधार पर इन बच्चों को वो सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। और एसडीएम कार्यालय पर मुजेड़ी गांव के लोगों ने 6 एकड़ में बनी स्टेडियम की दीवार बिल्डर ने तोड़े जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय पर आए गांव के लोगों ने विरोध करते हुए बताया कि गांव में 6 एकड़ पंचायती जमीन पर स्टेडियम की दीवार बनाई गई है, जिसकी दीवार बीते रविवार को एक बिल्डर द्वारा तोड़ दी गई। आपको बता दें कि गांव के लोगों ने बताया कि स्टेडियम को बनाए जाने का काम किया जा रहा था, पर गांव नगर निगम में आने की वजह से उस स्टेडियम का काम रुक गया है। वहीं स्टेडियम की चार दीवारी की तरफ से एक बिल्डर अपनी सोसाइटी बनाना चाहता है और उसका रास्ता स्टेडियम की दीवार की तरफ से निकालना चाहता है। ये हमारे मित्र हैं एडवोकेट अभिषेक कपासिया, इनकी शिकायत है कि इनके गांव मुजेड़ी में जो स्टेडियम है उसके बीचों बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें बिल्डर की मिलीभगत है और उसके रिगार्डिंग हम कंप्लेंट देने आए हैं। हमने पहले भी एसडीएम मैम को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने फैमाइश वगैरह कराई थी, उसमें ये साफ हो गया था कि ये जो जमीन है वो पंचायत की ही है, उसमें से जो रास्ता निकाला जा रहा है वो टोटली इलीगल है। हमारे गांव में एक 6 एकड़ का स्टेडियम बन रहा है, उसको लेके आए हैं जी हम। एक बिल्डर है वहाँ देविंदर गुप्ता, वो उसके बीचों बीच रास्ता निकाल रहा है, सरपंच के साथ मिलके रास्ता निकाल रहा है, सरपंच को, पंचों को, सबको पैसे वैसे खिला के स्टेडियम के बीचों बीच, बिल्कुल स्टेडियम के बीचों बीच, जहां हम खेलने के लिए जाते हैं, हम भाग रहे होते हैं, अटक के गिर जाते हैं। और उधर हरियाणा के यमुनानगर में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन ने चिंता व्यक्त की है। वहीं वैक्सीन लगाने का काम भी अब तेज होने लगा है। बता दें कि दूसरे चरण में जहां पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल और अन्य पुलिस अधिकारियों ने वैक्सीन ली, वहीं यमुनानगर के बाकी पुलिस अधिकारियों ने भी दूसरी फेज में वैक्सीन ली है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से अचानक कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, हर एक दिन में 15 से लेकर 25 तक के केस सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने भी लोगों को वैक्सीन से बचाव के लिए दिए गए दिशा निर्देश का पालन किए जाने की अपील की है। आज जैसे मैंने कहा कि हमारे एसपी साहब की सेकंड डोज ड्यू थी, तो उन्होंने आज पुलिस लाइन में खुद पहुंचकर अपनी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कराई। इसी तरह से डीएसपी हेडक्वार्टर है, उन्होंने भी अपनी वैक्सीनेशन लगवाई है। तो इस तरह से जो भी दो डोज लगने के 14 दिन के बाद, जैसे हमने कहा कि ऑप्टिमम क्वांटिटी में एंटीबॉडी बन जाती हैं और काफी हद तक जो है व्यक्ति इस महामारी से सेफ हो जाता है। मैंने इससे दूसरी डोज लगवाई है कोरोना की, तो जैसा कि हिदायत है कि पहली डोज लगाने के 28 दिन के बाद आपको दूसरी डोज लगवानी है, तो आज मैंने अपनी दूसरी डोज लगवाई है। और हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी भी सेकेंड डोज का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया, तो मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 63% जो पुलिस के जवान या होमगार्ड के या दूसरे जिनका भी रजिस्ट्रेशन होम कैटेगरी में हुआ है, तो उसमें 63% लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे देश में महिला दिवस मनाया गया। वहीं लंबी में गांव घुमियारा में भी आंगनबाड़ी यूनियन की तरफ से महिला दिवस मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨੀ, ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਚ 7500 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੁਮੈਨ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬਲਾਕ ਪਿੰਡ ਘੁਮਿਆਰਾ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੁਮੈਨ ਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
कि औरतां नूं सिर्फ लगदा कागजां दे विच ही हक दित्ते गए ने, हजे तक चंगी तरह सुनवाई नहीं हुई। जो कानून जो हक औरतां नूं कागजां दे विच मिलदे है ओह रियलिटी दे विच नहीं मिलदे। और जालंधर के गांधी वनिता आश्रम से 39 लड़कियों के भागने का मामला सामने आया है, जहां लड़कियों ने अपने साथ हो रही धक्केशाही के खिलाफ आवाज उठाई और वहां से भाग निकली, जिसके बाद 35 लड़कियों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है, जबकि 4 लड़कियां अभी भी गायब हैं। वहीं लड़कियों का कहना है कि वो सभी पंजाब के अलग अलग जिलों की रहने वाली है। उन्होंने घर से भागकर शादी की थी और उस समय नाबालिग होने की वजह से उनके साथ शादी करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको गांधी वनिता आश्रम में भेज दिया गया था। लड़कियों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की जाती है। वहीं इस मामले में प्रशासन का कहना है कि लड़कियों को भागने में जिसका भी हाथ होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਮਨਤਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਵਾਸਤੇ 85 ਲੜਕੀਆਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और फरीदाबाद सेक्टर 23 के बिजली कार्यालय विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है, जहां फरीदाबाद में बिजली कर्मचारियों के गलत तरीके से किए गए तबादलों का विरोध किया गया है। वो लंबित पड़ी हुई मांगों को लेकर फरीदाबाद सेक्टर 23 स्थित बिजली निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। आज का हमारा विरोध प्रदर्शन था ये सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि जो हमारे नेताओं ने बदली और कर्मचारियों कामों का जो एजेंडा हेड ऑफिस में दिया था उस पर जो कार्रवाई पूर्णतः नहीं हुई उसके विरोध में प्रदर्शन किया। आगे की जो भी कार्रवाई सेंट्रल काउंसिल ने हमें दी है, जो बताया गया कि 19 तारीख को हिसार में प्रोग्राम रखना है विरोध प्रदर्शन का, उसके लिए तैयारी पूरी चल रही है। आज ये प्रोग्राम जो हमारे सेक्टर 23 में है, ये आज पूरे 23 में नहीं पूरे हरियाणा में है, ये हमारे सेंट्रल काउंसिल के आदेश थे। एमडी के साथ जो बातचीत हुई है उन बातचीतों पर अमली जमाना पहना के हमारे कार्य को ना करके ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ, उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया। ये आज सारा दिन का तो नहीं, 3 घंटे का प्रदर्शन था जो बहुत अच्छे तरीके से हमने करवाया यहाँ पे, और आज ये पूरे हरियाणा में जो प्रदर्शन हो रहा है जितने भी हमारे काम पेंडिंग पड़े हैं उनके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किए। यमुनानगर के जगाधरी में मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। नए किसान कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग भी की गई। इस दौरान और पलवल के किठवाड़ी रोड पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 22 साल के युवा बॉक्सिंग खिलाड़ी की जान चली गई। बीती रात मोटरसाइकिल को एक ट्रॉली ने टक्कर मार दी और मौके पर ही मृतक की मौत हो गई। लोगों और परिजनों ने बताया कि पंकज बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी रह चुका है। बॉक्सिंग प्लेयर था, नेशनल लेवल तक ये खेला हुआ है, बहुत बढ़िया, लेकिन गरीब घर से है जी। और माँ बाप की हालत भी बहुत नाजुक है। इकलौता बच्चा था, इकलौता बेटा है, बाकी कोई सहारा है नहीं माँ बाप के पास। इसके बाद कल रात की बात है, लोडिंग ट्रेला था, रोड़ी से भरा हुआ था, इसके आगे मोटरसाइकिल जा रही थी तो सीधी टक्कर मार दी, नीचे टायर के नीचे आ गया, मौके पर इसकी मौत हो गई। अब इसकी पोस्टमार्टम करा रहे हैं, बाकी ट्रक हमने रात में काबू कर लिया और फिर जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है, क्या काम करता है? ये वैसे बेरोजगार आदमी है, अपने फौज की तैयारी कर रहा था, ज्यादा उम्र नहीं थी, 20 साल की उम्र है इसकी। चालक को पकड़ लिया गया? चालक भाग गया मौके से, बाकी गाड़ी हमने कब्जे में ले ली।
और हौसले अगर बुलंद हो तो कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रादौर के रहने वाले सिमरनजीत सिंह ने। सिमरनजीत सिंह ने एक मिनट में 104 बार फायर फ्लाई रिकॉर्ड बनाया है और अपना नाम दर्ज करवाया है उन्होंने, और फायर फ्लाई पुशअप कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया है। ये मैं काफी समय से इसकी प्रैक्टिस कर रहा था और ये मैंने अप्लाई करा है एक महीना पहले ही। इसके अंदर मैंने फायर फ्लाई पोज मारे हैं एक मिनट के अंदर 104, और उनकी तरफ से मेरे को ये मेडल और इंडिया बुक के अंदर मेरा नाम आया है। देखिए, ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे छोटे भाई सिमरनजीत सिंह का नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में आया है। सो ये बड़ों का आशीर्वाद है, ये गुरु साहब सच्चे पातशाह जी का आशीर्वाद है। जो ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले साइकिल पे यहां से पाकिस्तान गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में गए थे, ये शायद उसी सेवा का जो फल है जो आज इनका नाम इतना गौरव में पाया। और फरीदाबाद के डीएलएफ फेज 2 में एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक शाम 7:30 बजे ही कंपनी में आग लग चुकी थी। पहले गद्दे की कंपनी है और अभी कारणों का पता नहीं लगा किस कारण से आग लगी है। दो तीन गाड़ियां मौके पर आग बुझाने लग रही है, ठीक है, और आग तो फिलहाल तो कंट्रोल है आग के ऊपर। फरीदाबाद के डीएलएफ फेज 2 में एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं मौजूदा लोगों ने बताया कि शाम 7:30 बजे ही कंपनी में आग लग चुकी थी। डीएलएफ फेज 2 की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां गद्दा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लोगों के मुताबिक ये आग 7:30 बजे ही लग गई थी, हालांकि 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। और अगली खबर मोगा से है, जहां एक एनआरआई व्यक्ति ने अपनी भाभी और देवर पर अदालत से लौटने के दौरान गोली चला दी। बता दें कि आरोपी गुरिंदर सिंह इंग्लैंड में रहता है। दरअसल गुरिंदर सिंह गाले अपनी बहू के बेटे के साथ अपनी बेटी के प्रेम विवाह के विरोध में था और वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी उससे हो। इस बात पर दोनों पक्षों में पहले भी लड़ाई हो चुकी थी, जिसको लेकर करमजीत सिंह और उनकी पत्नी ने मामला दर्ज कराने के लिए मोगा अदालत आए थे और याचिका दायर की थी। लेकिन जब दंपति शाम को अदालत से वापस अमृतसर जा रहे थे, तभी रास्ते में गांव गागड़ा के पास गुरिंदर सिंह गाली ने उनके वाहन को घेर लिया और पिस्तौल से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल से गोली नहीं चली। मोगा की यह खबर, जहां एक एनआरआई व्यक्ति ने अपनी भाभी और देवर पर अदालत से लौटने के दौरान गोली चला दिया। बता दें कि आरोपी गुरिंदर सिंह इंग्लैंड में रहता है, अपने परिवार के साथ वो इंग्लैंड में रहता है, और गुरिंदर सिंह गाली अपने बहू के बेटे के साथ अपनी बेटी के लव मैरिज के अगेंस्ट था, जिसको लेकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।